गाइज, आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम सीखने वाले ड्रॉ द हेक्सागन ऑफ साइड 50 mm बाय स्पेशल मेथड, ठीक है। और इसे हम सेमी सर्कल मेथड भी कहेंगे, क्योंकि इसमें आधे सर्कल का यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हमें बताया गया है कि सेमी सर्कल मेथड से बनाओ, तो यही मेथड यूज़ होगी, ठीक है। तो बनाते हैं, हमें यहाँ पे साइज दिए 15 mm, मतलब कि 5 cm। तो हम 5 cm की जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने कर ली, ठीक है, ए और बी। तो अब क्या करना है, यही डिस्टेंस हमें हमारे कंपास में लेना है, लेने के बाद ए पॉइंट पे रखकर आधा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, आधा सर्कल। तो अब हमें क्या करना है, इस आधे सर्कल के इक्वल 6 इक्वल पार्ट बनना है, क्योंकि हमें बनाना है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन बनाने के लिए हमें इस आधे सर्कल के 6 इक्वल पार्ट बनने होंगे। तो ये सर्कल होता है 180 का, ठीक है, इसके हमें 6 इक्वल पार्ट बनाने। तो ये आता है 30, ठीक है। तो हमें लेना होगा 30 का एंगल, ये आप ले लेते हैं 30 का एंगल। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट से लेकर कुछ इस तरीके से। तो अब क्या करना है, यही डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है, और इस सेमी सर्कल पे आर्क ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ेंगे हम कुछ इस तरीके से। अब इन ये जो डॉट यहाँ पे हम जिन्हें हमने जो आर्क लगाए, तो ए पॉइंट से लेकर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दो लाइन हो गए, अब क्या करना है, थर्ड लाइन हमें आधे सर्कल के बाहर तक ड्रॉ करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आगे की भी लाइन हमें सर्कल के बाहर तक ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो अब ये हमारे इक्वल 6 इक्वल पार्ट हो गए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है, ये डिस्टेंस हमारे कंपास में लेंगे, यहाँ से सेकंड लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे रखकर हम यहाँ इस लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर जो आर्क ड्रॉ किया है वहीं पे रखकर आगे की लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसा ही हम आगे, और आगे हमें ऐसा ही करना है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट मिला। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारा जो है हेक्सागन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन पॉइंट को जोड़ लेते हैं,
ये हो गया हमारा हेक्सागोन, ठीक है। तो इसे नेमिंग देते हैं ए बी सी डी ई एफ और ए जी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।